कोतवाली मऊरानीपुर फिर एक बार चर्चा में, पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो पहुंची पुलिस क्षेत्राधिकारी की चौखट पर, आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। युवती के साथ गैंगरेप 3 महीने से लगा रही कोतवाली के चक्कर, इज्जत के बदले पैसे देने का बना रहे दबाव, पीड़िता ने दी जान देने की धमकी। जिले के मऊरानीपुर में एक युवती ने पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंचकर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की। वहीं पीड़िता ने कहा कि पिछले 3 महीने से पुलिस पीड़िता को फुटबॉल बनाए हुए है, लेकिन अभी तक आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा आरोपी उसकी इज्जत के बदले पैसे देने का दबाव बना रहे हैं। वहीं पीड़िता ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह अपनी जान अधिकारियों के सामने देने को विवश होगी। कहाँ से आई? क्या घटना हो गई है आपके साथ? हम अपने गांव की लड़की से बात करते थे तो धीरे धीरे ज्यादा हो गया और मुझे पहला फुसला के वो शादी के साथ सदे करवा गए अहमदाबाद, और उनका भाई है मोहित राजपूत, तो वो कह रहे थे हम तुम्हारी शादी करा देंगे अपने भाई के साथ, लेकिन पहले कहते रहे फिर शादी नहीं करवाई, और अब कह रहे 20 लाख रुपया लग जाए हम शादी नहीं करवाएंगे, और पैसे दे रहे हैं और हमारी इज्जत के बदले पैसे दे रहे हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, और कह रहे हैं कुछ हो जाए हम शादी नहीं करेंगे। पुलिस से शिकायत की हमने, पुलिस 2-3 महीने हो गए हम यहाँ से, यहाँ पुलिस वाले से फिर चौकी जाओ, चौकी वाले पूछते हैं थाने आओ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवरी चौकी, देवरी चौकी। अभी कहाँ किससे शिकायत करनी आई? अभी यहाँ पे हम सीओ साहब के यहाँ आए हैं। तो पुलिस से क्या कार्रवाई चाहिए? हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं, हमें न्याय मिल जाए, अगर न्याय नहीं मिला तो अधिकारियों के सामने अपनी जान दें। मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया गया है, जहां पिछले 3 महीने पहले गांव के ही एक व्यक्ति से उसकी बातचीत होती थी और उसे शादी का झांसा देकर उसे घर ले गए और 2 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, और जब हवस पूरी हो गई तो शादी से इनकार कर दिया। अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को विवश बनी हुई है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी हरि मोहन सिंह ने उक्त मामले में जांच कर कानूनी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। मऊरानीपुर से भूपेंद्र सिंह परिहार के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।